दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। खिचड़ी आज हम बनाते हैं सूप, हरी सब्जियों का सूप। तो सारी सब्जियां हमने डाल लिया है कुकर में, नमक डाल करके धीमी आंच पर 2 से 3 सीटी लगाए हैं। तो देखिए हमारा सब्जी उबल गया है और इसमें हमने डाला है थोड़ा सा लौकी, गाजर, हरी मटर, टमाटर, बीन्स, शिमला मिर्च, ये सबको हमने हरी मिर्च एक है, थोड़ी काली मिर्च 3-4 काली मिर्च उसको कूट लिए हैं, आधी कद्दूकस कर लिए हैं, सबको कुकर में उबाल लिए हैं। कुकर में थोड़ा सा घी डाल करके तेजपत्ता डाली और प्याज, एक प्याज का तड़का लगाए हैं, और प्याज ज़्यादा भूना नहीं है, हल्का सा, और उसमें डाल देना है। तो हमारी सब्जी सब्जी उबल गई है, अभी इसको चलिए। तो देखिए हमने कढ़ाई बैठा दिया है गैस पर। तो दोस्तों सारी सब्जी को मसाले लेंगे कुलचे की सहायता से। तो दोस्तों हमने टमाटर बोलना भूल गई थी मैं, तो हमने इसमें रख लिया और ग्राइंड कर लिया ठंडा होने पर। तो देखिए हमने ग्राइंड कर लिया, तो इसमें 1 टेबल स्पून मकई का आटा लेंगे, तो इसको पतला कुल तैयार करेंगे, मकई का आटा है, और इसको इसमें डाल देंगे। तो देखिए हम चलाते रहेंगे इसको, नहीं तो बैठ जाएगा, धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा। देखिए हमने पहले ही कुकर में घी थोड़ा लगा करके, 1 चम्मच घी लगा करके तेजपत्ता से चौंक लगा देते और प्याज डाले थे, दालचीनी, लौंग। दोस्तों बहुत ही हेल्दी होता है सूप, ठंडा समय में तो और ही अच्छा होता है, गर्म गर्म सूप पीने से मन वाल ठीक हो जाता है। थोड़ा काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा चीनी डालेंगे इसमें, आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं चीनी डालना, लेकिन थोड़ा स्वाद अच्छा हो जाता है इसे डाले। देखिए दोस्तों खाने लगा, बहुत कम समय में बनता है सूप, बहुत ही बढ़िया सूप बनकर तैयार हो गया। फिर से धनिया पत्ता डाल देंगे, इसको बंद कर देंगे, हो गया हमारा सूप। देखिए बटर डाल के आप सर्व करिए और हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।